किसान आंदोलन को समर्थन दे रही कांग्रेस पार्टी के नेता किसान राजनीति में इतने मदमस्त हो गए हैं कि वे अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपशब्द बोलने से भी नहीं कतरा रहे। मामला सिंगरौली का है, जहां पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल की मौजूदगी में कांग्रेस नेता हाजी सत्तार ने पीएम मोदी को अपशब्द कहे और कांग्रेस नेता ने अपनी सारी मर्यादा लागते हुए मोदी को जाति सूचक शब्द बोलकर अपमानित किया। सवाल यह है कि क्या कांग्रेस किसानों की राजनीति के नाम पर इतना नीचे गिरेगी। देवसर में कांग्रेस पार्टी द्वारा आयोजित किसान मजदूर सम्मेलन में शामिल होने आए पूर्व मंत्री पंचायत एवं ग्रामीण विकास कमलेश्वर पटेल के सामने ही उनकी पार्टी के मुस्लिम नेता हाजी सत्तार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कई अपशब्द कहे और गालियां दी। यहां तक कि इस नेता ने पूरे साहू समाज पर भी आपत्तिजनक टिप्पणी की और जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया। दरअसल पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल की सिहावल विधानसभा क्षेत्र में किसान आंदोलन आयोजित किया गया था और इस कार्यक्रम में विधायक के साथ कई कांग्रेसी नेताओं ने मंच साझा किया था। इस दौरान संबोधन के लिए आए कांग्रेस के छुटभैये नेता हाजी सत्तार ने प्रधानमंत्री को लगातार गलत अपशब्द कहे। यही नहीं, कांग्रेस नेता हाजी सत्तार ने अंत में यह तक कह दिया कि ससुरतेली कहां के हद तो तब हो गई, जब कांग्रेस नेता सत्तार यह सब बोल रहे थे तब किसी ने उन्हें रोकना उचित नहीं समझा। कौन बनाया? पांच सालों का हो जाए प्रधानमंत्री, वो तीन एकड़ में 3,000 रुपया जो हम मर जा फाबिला 50 साल धान का किसो में हमारे, और 3 एकड़ हमको रुपया 3,000 दे दी, साल भर की जमीन ले ली, सबका मर जाओ जिसका घर बीजेपी हो जाए कांग्रेस हो। हाँ, हम तो मनाओ से ले सारे, हम तो मरेंगे ना, होगा तुम्हारे सारे। हाँ, हमें तो कम नहीं, आप साल बचा रहा नहीं ला रहा जाओ, तो जितना जवान है सारे सब मर जाए जाना बिना 50 साल धान का देते हैं ना जो हम कहा हमें ना कह रहा भैया हाजी सत्तार की अपशब्दों की सारी मर्यादा लांघने के बाद पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता ने भी सफाई किस अंदाज में दी है उसको भी हम आपको दिखाते हैं। कमलेश्वर पटेल ने हाजी सत्तार को लेकर कहा, हमारे हाजी सत्तार चाचा ब्लड प्रेशर के मरीज हैं और वे मात्र मोदी जी को ही गाली देना चाहते थे, पूरे साहू समाज को नहीं। मोदी जी की कोई जाति नहीं है, वो कुजात है। हमारे हाजी सत्तार चाचा थोड़ा बीपी के मरीज भी हैं और थोड़ा उनका उनका किसानों के प्रति ज्यादा चिंता है, क्योंकि सारे लोग किसान हैं, किसी भी जाति धर्म के हों सारे लोग किसान हैं, तो कोई इसको अन्यथा नहीं लेगा। सच बात तो यह है कि वो मोदी जी किसी जाति के हैं तो गुजरात जो अच्छा काम करे वो कांग्रेस पार्टी का, जो अच्छा काम करे वो देश का समाज का, और जो अच्छा काम नहीं करे वो देश का समाज का नहीं हो सकता है। ऐसे लोगों की कोई जात नहीं होती है, और जाति में किसी भी जाति में कोई बुरा व्यक्ति नहीं होता, और किसी जाति हर जाति में बुरा व्यक्ति मिल जाएगा, तो ये कोई विश्लेषण नहीं है। इसलिए हमारे जो साथी हैं कोई भी इस बात को अन्यथा नहीं लेंगे, बड़े दिल के साफ हैं, वो थोड़ा सीधे सीधे मोदी जी को गाली देना चाह रहे थे उसको अन्यथा नहीं लेंगे, आप सबका अभिनंदन करते हैं। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।